हेलो एवरीवन, अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं रायता, नेपाली रायता। तो अभी हम लोग बनाएंगे, तो ये है खट्टा दही। एक्चुअली मीठा दही से आप करने से भी टेस्ट होती है, लेकिन अब ये हम लोग के पास मीठा दही नहीं था, इसलिए हम लोग ने खट्टा दही से बनाना शुरू कर दिया। तो ये दही है और इसमें मेरी बुआ ने गाजर मिक्स कर दिया है, और गाजर को मिक्स किया। फिर मुझे बहुत उसको हिलाने का मन हो रहा था, तो मैंने इसको हिला दिया। तो अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो अभी मैं इसको मिक्स करेंगे। फिर बुआ इसमें बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह मसाला जो जो चाहिए वो सब काट के रखा था। इसमें था प्याज और हरा मिर्च और साथ ही साथ टमाटर भी था, और हम लोग इसमें ऐड किया। फिर मैंने इसको फिर से मिक्स किया। फिर मिक्स करने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आती है, तो मैं सीख रही थी बुआ से क्या क्या देने हैं क्या क्या नहीं देने। तो बुआ ने इसमें ये है वो जीरा, उसको बुआ ने अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको मतलब कूट दिया, कूटने के बाद इसमें ऐड कर दिया। फिर इसको मिक्स कर दिया। फिर मिक्स करने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया, और ये इतना टेस्टी गन आ रही थी और इतना टेस्टी हुआ ये। फिर इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया, आपके स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। और फिर बुआ ने इसको अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि मेरा जो मिक्स किया हुआ था वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था, इसलिए बुआ ने इसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैं सोचा टेस्ट करके देख लूँ, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कैसा हुआ। मैं थोड़ी सी ली और टेस्ट कर रही थी। टेस्टी, वाओ।